हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरिएम जी के ट्रिक। दोस्तों, आज हम जनवरी से लेकर अभी तक की सभी योजनाओं की स्टडी करेंगे स्टेट वाइज और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में कालिया योजना, कालिया से काला का संसार है ना, काला काला क्या होता है, कौवा काला होता है और कौवा उड़ता है, तो कालिया योजना उड़ीसा से रिलेटेड हो गई। और कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 तक की आर्थिक सहायता दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त रबी की फसल पर, दूसरी खरीफ की फसल पर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। इसमें कारीगर सहायता योजना मतलब कारीगर क्या करेगा, इमेजिन करिए कि कारीगर एरोप्लेन बनाता है और एरोप्लेन जब बनाएगा कारीगर तो एरोप्लेन क्या होता है, उड़ता है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड हो गया। कारीगर क्या करेगा, एरोप्लेन बनाएगा और एरोप्लेन उड़ता है, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। इस योजना के तहत उड़ीसा के शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन शिल्पकारों को जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उनकी इनकम 1,00,000 पर ईयर से कम है, और उनको कितनी सहायता दी जाएगी, 800 रुपये पर मंथ, और जिनकी एज 80+ है उनको 1,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है जीवन संपर्क योजना। जीवन संपर्क, संपर्क जब हम फोन से अपने दोस्त को संपर्क करते हैं तो नेटवर्क कैसे पहुँचता है, उड़ते हुए। कुछ पल के लिए इमेजिन करिए नेटवर्क उड़ते हुए पहुँचता है। इस प्रकार जीवन संपर्क, संपर्क कैसे होता है, उड़ते हुए नेटवर्क हमारे दोस्त तक पहुँचता है, संपर्क मतलब उड़ना। तो जीवन संपर्क योजना, जीवन संपर्क योजना उड़ीसा से रिलेटेड है। इस योजना के तहत उड़ीसा के जनजातीय लोगों को राज्य सरकार द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट है सुनेत्र योजना। सुनेत्र योजना मतलब जिसके पास नेत्र होंगे वही अपने नेत्रों से पक्षियों को उड़ते हुए देख पाएंगे, मतलब कोई भी चीज़ उड़ते हुए जब कहाँ कब देख पाएंगे, हमारे पास नेत्र होंगे। तो इस प्रकार सुनेत्र योजना उड़ीसा से। इस योजना के तहत क्या है, योजना के तहत सभी एज के लोगों को फ्री आई टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी और उन्हें अगर चश्मे की जरूरत होगी तो उन्हें फ्री में चश्मे भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अम्मा घरे एलईडी योजना। इस योजना में अम्मा किसी चीज को उड़ते हुए कैसे देख पाएगी, उड़ते हुए या किसी बड़ी चीज को जो उड़ने वाली है उसे कैसे देख पाएगी, एलईडी के उजाले से। तो अम्मा घरे एलईडी योजना भी उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। इस योजना के तहत उड़ीसा के निवासियों को फ्री एलईडी सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली योजना है किसान ऋण मुक्ति योजना। किसान जब सब बहुत सारे ऋणों से घिरा होगा तो क्या होगा, वह ऋणों से चारों ओर से घिर के मध्य में होगा, तो किसान ऋण मुक्ति योजना। और जब वो बीच में सभी ऋणों से घिर के बीच में आ जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं चारों तरफ से बहुत सारे ऋणों से घिरा हुआ हूँ, इस प्रकार वह ऋणों से मुक्ति चाहेगा। तो किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई क्योंकि वो ऋणों के मध्य में आ जाएगा, इस प्रकार वह ऋणों से मुक्ति चाहेगा। तो किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश से हो गई। इस योजना के तहत किसानों को 2,00,000 तक का ऋण माफ किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गृह ज्योति योजना। जब हमारे घर में अंधेरा होगा तो अगर हम बीच में उजाला करेंगे तो चारों तरफ उजाला होगा, इस प्रकार कब कहाँ पर, मध्य में। जब हम मध्य में उजाला करेंगे तो पूरे घर में उजाला होगा। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत यदि यह संबल योजना के स्थान पर चलाई गई है, इस योजना के तहत यदि आप 10 यूनिट लाइट यूज करते हैं तो आपको 100 यूनिट का पैसा देना होगा, और यदि इससे ज़्यादा की बिजली यूज करते हैं तो
सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 472 रुपये सब्सिडी शहर वालों के लिए और 447 गांव वालों के लिए दी जाएगी। अगला है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। और जब किसान ऋण से मुक्त हो जाएगा तब वह बहुत खुश होगा, मतलब बहुत जय फील करेगा, जॉय फील करेगा। इस प्रकार जय किसान मुक्ति ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई। इसमें क्या होगा, जय किसान ऋण मुक्ति योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों को, किसानों के ऋण को माफ कर दिया जाएगा। अगली है युवा स्वाभिमान योजना। स्वाभिमान, जब लोग, जब कोई युवा बहुत सारे लोगों के बीच में होगा और उसे वो लोग कुछ बुरा कहेंगे तो वो सबके बीच में क्या फील करेगा, सबके मध्य में अपने स्वाभिमान की, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, तो सोचेगा मेरा स्वाभिमान मतलब यहाँ पे घट रहा है, तो वहां से चला जाएगा। इस प्रकार युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई। युवा जब लोगों के मध्य में होगा तो उसको उसको जब वो कुछ कहेंगे तो उसे अपनी स्वाभिमानता में कमी फील होगी, तो वहां से चला जाएगा। तो युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई। इस योजना के तहत शहरी बेरोजगार युवा जिनकी इनकम 2 लाख पर ईयर से कम है उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना, कृषक मतलब जो किसान लोग होते हैं, किसान लोग अपने बंगले मतलब अपने घर के पीछे बैठ के बहुत सारे किसान बंधुओं के साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं, बातें करते हैं, मतलब अपने घर के पीछे बैठकर, अपने घर के मतलब अपने बंगले के पीछे बैठकर। तो किसान बंधु योजना पश्चिम बंगाल से, घर के पीछे बैठकर, अपने बंगले के पीछे बैठकर, मतलब पश्चिम बंगाल। कृषक बंधु लोग योजनाएं बनाते हैं, इस प्रकार कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हो गई। इस योजना के तहत क्या है, इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता किस्तों में दी जाएगी, पहली रबी की फसल पर, दूसरी खरीफ की फसल पर दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है सेफ ग्रीन स्टेकलीन। जब हमारा बंगला होगा तो हम उसको क्या रखेंगे, साफ रखेंगे और हरियाली युक्त रखेंगे, मतलब वहां पेड़ पौधे लगाएंगे। इससे सेफ ग्रीन स्टेकलीन से रिलेटेड हो गए पश्चिम बंगाल, मतलब हम अपने बंगले को साफ रखेंगे और वहां पे हरियाली रखेंगे। तो सेफ ग्रीन स्टेकलीन पश्चिम बंगाल से। इस योजना के तहत हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात में है सूर्य शक्ति किसान योजना। गुजरात, रात के गुजर जाने के बाद क्या आएगा, उजाला आएगा। और गुजरात, रात के गुजर जाने के बाद क्या होगा, सूर्य निकलेगा और उजाला आएगा। तो सूर्य शक्ति, सूर्य की शक्ति सब जगह फैल जाएगी, सूर्य का प्रकाश। तो गुजरात से सूर्य शक्ति किसान योजना रिलेटेड है। इस योजना के तहत गुजरात सरकार किसानों को खेतों में सोलर सेल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इससे बिजली की कीमत घट जाएगी 5%। कैसे घट जाएगी, 5% किसानों को देना होगा और 35% नाबार्ड से ऋण लेना होगा, 7% सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में देगी। अगला है दुकानों व वित्तीय संस्थान 24 घंटे खुले रहने के लिए बिल पास किया है। जब रात गुजर जाएगी तो उजाला आएगा, तो संस्थान और सभी चीजें 24 घंटे खुले रह सकेंगे। तो दुकानों व वित्तीय संस्थान 24/7 खुले रहने के लिए बिल पास किया, किसने, गुजरात ने। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड में पहली योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कृषक क्या करेगा, तुरंत उनको बैठाएगा, मतलब वहां पे जहाँ पे बैठाएगा उन्हें तुरंत झाड़ झाड़ देगा, झारखंड मतलब झाड़ देगा और उन्हें बैठाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे मतलब उसको कृषि के लिए सहायता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार झाड़ देने से झारखंड हो गया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड। तो ये अब जैसे ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आएगा तो आपके मन में तुरंत झाड़
झारखंड आ जाएगा। इस योजना के तहत क्या है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत, इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हर वर्ष खरीफ की फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ राशि देगी। वहीं जिनकी जमीन 1 एकड़ से कम है उन्हें भी न्यूनतम 5,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है मीठी क्रांति। मीठी क्रांति, इस क्रांति के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से संबंधित इसमें 80% सब्सिडी सरकार देगी। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में पहली योजना है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तेलंगाना गाना, तेलंगाना से गाना, क्या सब लेंगे गाना, तो गाना कहाँ से गाएंगे, गाना गाएंगे तो क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा, स्वरम। तेलंगाना कलेश्वरम, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत नदियों का पानी पंप द्वारा खींचा जाएगा ताकि किसानों को पानी की कमी नहीं होने पाए। इस पानी को स्टोर करने करके इस पानी को स्टोर करके कमी के समय यूज किया जाएगा। ये 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और गोदावरी नदी का पानी, इसमें गोदावरी नदी का पानी खींचा जाएगा कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत। अगली तेलंगाना राज्य की परियोजना है रायतु बंधु योजना। रायतु मतलब राय, राव गाना गाने में राय क्या होनी, गाना गाने में राय अच्छी होनी चाहिए, रायतु गाना गाने में, रायतु बंधु योजना। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक की पहली योजना है जल अमृत योजना। जल अमृत मतलब जल यदि अमृत के ऐसा नहीं होगा, साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, उसे पिएंगे नहीं, नाटक करेंगे, पिएंगे नहीं। जल अमृत योजना कर्नाटक से। इस योजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है स्कूली बच्चों की बैग का वजन, उनके वजन का 10% निर्धारित कर दिया गया है। किसके द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट स्टेट है दिल्ली। दिल्ली में पहली योजना है प्रति व्यक्ति 3 GB डाटा मुफ्त देने की घोषणा की है। किसने, दिल्ली राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है जीरो डिपेंडेंसी कोड प्रोजेक्ट है। जीरो डिपेंडेंसी, दिल्ली में जितने लोग हैं सब डिपेंडेंट रहते हैं किसी पे, सब सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या है, जीरो डिपेंडेंसी है, अदर व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए जीरो डिपेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट दिल्ली से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि कोर्ट के फैसले को जल्दी निपटाने के लिए कोशिश की जाएगी जीरो डिपेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा। ये दिल्ली राज्य सरकार ने योजना चलाई है। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद। मिशन मतलब मिशन से कैसी, और यदि मिशन माईसन की याद आएगी, याद कब आएगी, दिल से याद आएगी, तो मिशन बुनियाद, मिशन माईसन की याद दिल से, मिशन बुनियाद ये भी दिल्ली की है। नेक्स्ट स्टेट है चेन्नई। चेन्नई में प्री एम्बुलेंस योजना एक नई बात हुई ना, तो चेन्नई प्री में एम्बुलेंस एक नई बात हुई, तो प्री एम्बुलेंस चेन्नई। इस योजना को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुरू किया है। यहाँ 2 बार भारी चक्रवात आया था, 2016 में आया था वर्धा और 2018 में गाजा, तो इस चक्रवात की वजह से काफी नुकसान हुआ था पेड़ों का, तो फिर से पेड़ों को लगाने में हरियाली बढ़ाने के लिए प्री एम्बुलेंस योजना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुरू की है। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। मेघालय में वन सिटीजन वन ट्री योजना के तहत मेघालय 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। मेघालय राज्य 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ये योजना 5 जून को स्टार्ट की गई थी। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। इसकी थीम क्या थी, बीट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट की योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। उत्तराखंड को पहले क्या कहते थे, उत्तरांचल से आंचल, तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इस योजना के तहत
इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को हर हफ्ते में 2 दिन 100 ml 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य की योजना है। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। हरियाणा, हरियाणा से हरियाली, हरियाली सब ले सकते हैं। तो जहाँ पे हरियाली होगी वहाँ पे परिवार बहुत स्वस्थ होगा और उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे और साफ सुथरे रहेंगे। तो हरियाणा से मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना रिलेटेड। नेक्स्ट है असम। असम से अरुंधति योजना। अरुंधति में आ आता है जो तीन के जैसा है, तीन क्या होता है, असम होता है। और अरुंधति पूरा नाम लीजिए तो धरती, ती आता है, तीन आता है ना, ये भी असम है। तो असम से अरुंधति योजना। इस योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी पर सरकार 1 तोला सोना भेंट के रूप में देगी। ये असम सरकार, राज्य सरकार द्वारा अच्छी पहल है। हिमाचल, नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मेघा प्रोत्साहन योजना। हिमाचल में कौन सा दारा, हिमा, हिमा दास इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन पे चल रही है और उन्हें बहुत सारे स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतेंगे। तो हिमाचल से हिमा, हिमा को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित, उसे राष्ट्रपति द्वारा सभी के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हिमाचल से मेघा प्रोत्साहन योजना, हिमाचल प्रोत्साहन योजना, कौन सी, मेघा प्रोत्साहन योजना। हिमाचल प्रदेश में मेघा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ये किस लिए दी गई, ये मेधावी छात्रों के लिए। इसमें मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे और अगर कोई मेधावी छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी उसका खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट योजनाएं हैं जो वन से रिलेटेड है, तो इनको देखेंगे। वन नेशन वन ग्रिड प्लान, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ग्रिड प्लान कहाँ होगा, ऊर्जा, ऊर्जा के लिए लगाया जाएगा। तो वन नेशन वन ग्रिड प्लान ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। वन फैमिली वन जॉब स्कीम सिक्किम राज्य द्वारा। ये तो आप काफी दिनों से सुन रहे होंगे, वन फैमिली वन जॉब स्कीम सिक्किम राज्य सरकार ने चलाई है। वन सिटीजन वन ट्री स्कीम मेघालय राज्य द्वारा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के द्वारा जो आपका राशन कार्ड होगा उसके द्वारा सिर्फ आपको अपने राज्य में ही नहीं, मतलब कि वह राशन कार्ड आपको सभी जगह मान्य होगा पूरे भारत में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। थैंक यू दोस्तों, बाय।